ही गाइस वेलकम फिर से एक बार। तो आई होप कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिक्स के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर, आप लोगों को समझ में आया हर चीज़। तो अब हम लोग जो है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 8 केसेस होते हैं बिल्स के रिगार्डिंग, तो हम लोग मैं इस टॉपिक को जो ऊपर चैप्टर को जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। मैं हर एक वीडियो में एक एक जो है केस डिस्कस करूँगा एक फुल डेप्थ में। तो केस वन जो हमारा था, हम उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में, जो कि हमारा केस है केस वन, रिटेंशन ऑफ बिल टिल मैच्योरिटी डेट। तो जब लास्ट वीडियो में जब मैं समझाया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक क्या है, ये एक सेलिंग का प्रोसेस है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है, जहां हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बदले एक बिल देते हैं, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट देते हैं फॉर पेमेंट सिक्योरिटी ऑन एनी फॉलोइंग डेट। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं कभी भी अकाउंट्स पढ़ता हूँ ना, तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में एक स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन, पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज जितने भी होती हैं वो ये स्टेप वाइज ही होती हैं, सिक्वेंस वाइज ही होती हैं। यानी कि जो पहले होता है उसका एंट्री पहले, जो एंट्री बाद में होता है उसका एंट्री बाद में। तो मैंने यहाँ एक चार्ट रेडी किया है इस टॉपिक के बारे में, जहाँ मैंने स्टेप्स में कुछ लिखा है कि ट्रांजैक्शन स्टेप्स में कैसे हो रहे हैं और स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हमने जनरल एंट्री स्टेप्स में कैसे करना है। तो क्योंकि हमारा टॉपिक है रिटेंशन ऑफ बिल टिल मैच्योरिटी डेट, तो यहाँ हमें ये देखने को मिलेगा कि सेलर सेल करता है, बिल एक्सेप्टेड बिल रिसीव करता है और मैच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास ही रखता है और एंड में पेमेंट ले लेता है। तो अगर मैं बातें करूँ ट्रांजैक्शन के जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस स्टेप्स में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो मैंने एक कॉलम बनाया है सेलर के लिए, एक मैंने रेडी किया है बायर के लिए। यानी कि यहाँ इसके पहले जो भी हम बातें करेंगे वो सेलर के बुक्स में होंगी, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। इधर जो हम बातें करेंगे वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, बायर के लिए होंगी। तो हमें जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो जनरल एंट्रीज करने हैं, हमें दो लोगों के बुक्स में एंट्री करनी है, एक तो सेलर के बुक में, एक तो बायर के बुक में। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो कभी भी इंडिविजुअल बुक बनाकर कभी सॉल्व मत कीजिएगा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि सेलर एंड बायर, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों के बुक को दो पेज में ड्रॉ कीजिएगा एक साथ और साथ साथ एंट्री कीजिएगा। यही एक राइट वे है टाइम बचा के सॉल्व करने का और गलती कम होने का। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन लगेगा, मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर इस डाउट को दिक्कत आप दूर कर लेते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत टाइम बचेगा और गलती होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहां मैं स्टेप वाइज स्टेप समझाता हूं। यहां भी मैंने एक तरह से मैंने क्या किया, सेलर का बुक बना दिया, यहां मैंने क्या किया बायर का बुक बना दिया, दैट मीन्स इन द बुक्स ऑफ सेलर इस पार, इन द बुक्स ऑफ बायर इस पार, और संग संग एंट्री करेंगे, संग संग स्टेप्स को दिमाग में सोचेंगे और संग संग एंट्री करेंगे। जब मैं एंट्री बायर की बुक में कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि मैं बायर का अकाउंटेंट हूँ, मैं खुद ही बायर हूँ। लेकिन जब मैं सेलर की बुक में एंट्री करूँगा तो मैं सोचूंगा कि मैं सेलर हूँ और मैं बायर हूँ। क्लियर? तो इससे क्या कि हमें कौन से में टर्म्स डेबिट जाएंगे, कौन से में टर्म्स क्रेडिट जाएंगे, कौन से टर्म्स मेरे लिए एसेट्स है, कौन से में टर्म्स मेरे लाइबिलिटीज है, मुझे समझ में अच्छा आएगा जब अपने को मज्यूम कर लेंगे उसके बुक्स के अकॉर्डिंग अपने को मज्यूम कर लेंगे। तो मैं देखूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो है वो किसी स्टेप्स में होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जो सेलर है वो सेल करता है, वो गुड्स को सेल करता है। तो अगर मुझे एंट्री करना है सेलर के बुक में तो सेल का एंट्री क्या होगा, सिंपल, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट सेल है, तो मैं एंट्री करूंगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये मेरे क्या हो गया, रिसीवर हो गया ड्रॉवी, और ये मेरा इनकम हो गया क्रेडिट। तो मेरा सेल के लिए एंट्री बनेगा ड्रॉवी टू सेल्स, पहला स्टेप में पहला एंट्री सेल के लिए ये एंट्री। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पे बायर के बुक में भी एंट्री करूँगा परचेज का, कि सेलर अगर सेल कर रहा है तो उसका सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, बायर परचेज कर रहा है, तो बायर के बुक में एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। यानी कि सर क्रेडिट परचेस का इसने अपने एंट्री पास कर लिया, पहला स्टेप ये इस ट्रांजैक्शन में। और सेल करने के बाद अब सेलर क्या करेगा, एक
डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, एक बिल प्रिपेयर करेगा अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो स्टेप टू ट्रांजैक्शन में ड्रॉइंग ऑफ बिल्स एंड सेंडिंग ऑफ द सेम टू ड्रॉइंग, यानी कि सेल करने का जब मैंने एंट्री कर लिया, सेल करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है, जो सेलर है वो बिल बनाएगा अपने टर्म्स अकॉर्डिंग और बिल बनाकर एक भेज देगा किसके पास, बायर के पास। तो इस चीज़ का जो ये चीज़ है ये एक नॉन फाइनेंशियल इवेंट है, बिल बनाना, बिल भेजना ड्रॉवर के पास, ड्रॉवी के पास, ये एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन फाइनेंशियल इवेंट है जिसका हम लोग कोई एंट्री नहीं करते। नो एंट्री एज ड्रॉइंग ऑफ बिल इज अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर नॉन फाइनेंशियल इवेंट, क्लियर। तो स्टेप वन सेल जिसका हम लोग एंट्री करेंगे, स्टेप टू ड्रॉइंग अ बिल उसका एंट्री नहीं करेंगे। जैसे ही सेलर ने या ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया और भेजा किसके पास, ड्रॉवी या फिर बायर के पास, तो बायर ने उसका क्या रिसीव किया, उस जो बिल को जिसने भेजा था सेलर ने बायर को, बायर ने उस बिल को रिसीव कर लिया। यहाँ भी रिसीव करने का कोई एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि ये भी क्या एक तरह का नॉन फाइनेंशियल इवेंट है, क्योंकि हमने बिल को रिसीव किया, बिल रिसीवमेंट का कोई एंट्री नहीं होता है, इसलिए नॉन फाइनेंशियल इवेंट का कोई एंट्री नहीं होगा। अब जैसे ही बायर ने ये बिल रिसीव किया तो बायर क्या करेगा, उस बिल के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ेगा, समझेगा, अगर सभी टर्म्स एंड कंडीशन से समझ में आएंगे, उससे अग्री होंगे तो क्या करेगा, उस बिल को साइन कर देगा। ये बिल को साइन करना ही क्या बन जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन जाता है, क्योंकि जैसे ही बायर बिल को अपना एक्सेप्ट करता है यानी कि पेमेंट देने के लिए उस पर साइन कर देता है, साइन करने के बाद तुरंत ही वो बिल क्या बन जाता है, बायर के लिए लायबिलिटी, यानी कि एक फाइनेंशियल यहाँ पे इवेंट हुआ, क्या लायबिलिटी क्रिएट हुआ। फॉर श्योर लायबिलिटी तो यहाँ भी क्रिएट हो चुका था जब उसने परचेस किया, लेकिन एक लायबिलिटी और क्रिएट हुआ जब उसने एक बिल को साइन किया। तो रिसीविंग ऑफ बिल का तो एंट्री नहीं बनता, लेकिन जैसे ही वो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि एक्सेप्टिंग ऑफ बिल, यानी कि एक्सेप्टिंग द बिल एंड सेंडिंग द बिल टू ड्रॉवर, अब उसने बिल को साइन कर लिया, बिल को, अब उस बिल को साइन करने के बाद कहाँ भेजेगा, सेलर के पास भेजेगा, वो बायर। तो ये साइन करना और भेजना ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसका एंट्री करेंगे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। याद है हमने जब लास्ट वीडियो में जब बताया था कि यहाँ पे अकाउंटिंग रूल्स लगने वाले हैं, क्रेडिट कब होगा, जब भी मेरे एसेट्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में जाएंगे, एसेट्स अगर इंक्रीज मेरे होते हैं तो डेबिट में जाएंगे, लेकिन अगर लायबिलिटी मेरा इंक्रीज होता है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, अगर लायबिलिटी मेरा डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ये रूल मैं लास्ट वीडियो में समझाया था, तो वही रूल कुछ यहाँ लगने वाला है। यहाँ बायर ने क्या किया, एक एंट्री पास किया बिल्स पेबल का क्रेडिट में, क्यों, क्योंकि बिल्स पेबल जो होता है बायर के लिए एक लायबिलिटी है, तो जैसे ही उसने एक लायबिलिटी को साइन किया वो क्या होता है, उसे क्रेडिट में एंट्री करता है, तो ये क्रेडिट में चला गया। सेकंड, उसने क्या किया, ड्रॉवर को डेबिट किया, तो इसने ड्रॉवर को डेबिट क्यों किया, क्या ये ड्रॉवर्स की लायबिलिटी है, हाँ, क्योंकि अगर मैं स्टेप वन में अगर जाऊँ तो यहाँ उसने जब परचेस किया था तो उसने ड्रॉवर अकाउंट को क्रिएट किया था, तो जैसे ही इसने यहाँ पे क्रिएट किया तो ये जो टर्म है ड्रॉवर का नाम, ये ड्रॉवर जो है एक लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो गया था। तो स्टेप थ्री में जब वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है और सेंड कर रहा है किसके पास, ड्रॉवर के पास, तो ड्रॉवर तो उसको डिक्रीज कर दे रहा है, तो वो लायबिलिटी डिक्रीज हुआ डेबिट, लेकिन उसके बदले एक उसने बिल के लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया तो बिल क्या हो गया, क्रेडिट। तो आई होप समझ में आया कि हम लोग ड्रॉवर को डेबिट यहाँ पे क्यों करते हैं और बिल्स पेबल को यहाँ पे क्रेडिट क्यों करते हैं, बिकॉज ये यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, ये लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ड्रॉवर के लिए। तो जैसे ही बिल बायर ड्रॉ करता है और भेजता है किसके पास, सेलर के पास, तो ड्रॉवर अपने बुक में, सॉरी ड्रॉवी अपने बुक में ये एंट्री करता है, लेकिन जैसे ही वो बिल को रिसीव करता है, कौन, ड्रॉवर यानी कि सेलर, रिसीविंग द एक्सेप्टेड बिल, तो अपने बुक में एंट्री क्या करता है, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉविंग। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सेलर को जो है एक एसेट मिल रहा है, वो है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, तो ये क्या हो गया, सेलर के लिए एक एसेट हो गया जो उसे मिल रहा है, एसेट कम्स इन डेबिट, और उसके पास ड्रॉवी का जो अमाउंट है, ड्रॉवी का जो अकाउंट है उससे वो क्रेडिट कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं यहाँ देखूँ
जैसे ही वो सेल कर रहा है, कौन सेलर, तो उसके लिए इनकम हो रहा है, तो उसने इनकम को क्या किया, क्रेडिट किया। लेकिन उसने ड्रॉवी है, जो पर्सन है वो उसके लिए रिसीवर है, साथ ही साथ उसके लिए वो एसेट्स भी है, क्योंकि उससे उससे पैसे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो उसने उसे डेबिट किया। हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में, व्हेन एसेट इंक्रीजेस एसेट गोज टू डेबिट। तो यहाँ पे ड्रॉवी क्या है, सेलर की यहाँ पे हो गया, एक हो गया एसेट हो गया, उसने से डेबिट में एंट्री किया। लेकिन जैसे ही वो बिल रिसीव कर रहा है, तो उसे अपने जो ड्रॉवी का अमाउंट से कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बदले में ड्रॉवी उसे एक और एसेट दे दे रहा है। तो यहाँ पर जो उसका एसेट पहले केस में था ड्रॉवी, वो डिक्रीज हो रहा है। तो एंट्री क्या, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी। यहाँ मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ बाकी लोगों की तरह कि इसका एंट्री यही ही होगा, यहाँ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इसका एंट्री ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यही होगा। तो आई होप थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लग रहा हो, तो कोई इश्यूज़ नहीं, आप लर्न कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समझ जाए, कि समझ के मैं समझ में आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो मेरे बातों को ध्यान से रिपीट दोबारा देख लें कि यहाँ पे बिल रिसीवेबल डेबिट में क्यों और ड्रॉवी क्रेडिट में क्यों जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ मैंने देखा कि जब बिल रिसीव कर रहा है तो एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब क्योंकि हमारा टॉपिक है रिटेंशन ऑफ बिल टिल मैच्योरिटी डेट, तो इसके बिस्की में क्या होता है कि जैसे ही उसे बिल मिल जाता है, यानी जैसे ही उसे ये बिल, जिसने ये एंट्री मार दिया, अब उसके पास एक बिल आ गया। बिल में जो है 3 महीने के बाद, 4 महीने बाद का डेट लिखा है कि पेमेंट 4 महीने बाद मिलेगा। तो ड्रॉवर को जो होता है वो 4 महीने या 3 महीने वेट करना होता है अपने बिल को अपने पास रख के। तो मैं रिसीव करने के बाद का स्टेप अगर देखूं, तो वो मुझे मिलता है रिटेनिंग द बिल टिल पेमेंट डेट एंड वेटिंग टिल मैच्योरिटी डेट। सी, बिल रिसीव करना तो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन था, उसका हमने एंट्री भी किया, लेकिन बिल को अपने पास रखना 4 महीने तक और वेट करना, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है, ये नॉन फाइनेंशियल इवेंट है, तो इसका हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। सिंपल। तो अगर ड्रॉवर 4 महीने वेट कर रहा है पेमेंट रिसीव करने का, तो यहाँ पे क्या है कि ड्रॉवी भी जो है वो भी वेट कर रहा है पेमेंट करने का 4 महीने तक। तो ये भी क्या कर रहा है, बायर अपने वेटिंग टिल मैच्योरिटी डेट वो वेट कर रहा है, क्योंकि ये भी क्या हो गया, वेट करना नॉन फाइनेंशियल, तो इसके लिए भी कोई एंट्री नहीं होगा। क्लियर? अब वेट कर लिया, 4 महीने बाद या 3 महीने बाद वो पेमेंट डेट या मैच्योरिटी डेट आ गया। अब उस डेट पे क्या करेगा, क्योंकि वो बिल सेलर के पास है, वो बिल ड्रॉवर के पास है, वो बिल क्या करेगा, वो भेजेगा किसके पास, ड्रॉवी के पास भेजेगा। और जैसे ही वो बिल को अपने अपने पास से भेजेगा, तो उसे उस बिल को पाते ही ड्रॉवी क्या करेगा, पेमेंट कर देगा उसके बदले। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे स्टेप इसके बाद क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 5, ऑन मैच्योरिटी डेट सेंडिंग द बिल टू ड्रॉवी एंड रिसीविंग द पेमेंट। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि अपना एसेट हम अपने बिजनेस से बाहर निकाल रहे हैं और कोई और जो एसेट है जानने के वो मुझे बिजनेस में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एसेट अपने से बाहर निकाल रहा है, वो है बिल्स रिसीवेबल। जो पहले हमने रिसीव किया था डेबिट में किया था, अब वो बिल मेरे से बाहर जा रहा है पेमेंट के लिए, तो उसे हम एसेट वॉज गोज आउट बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। इस बिल के बदले मुझे क्या मिलेगा, मुझे बैंक, मुझे मतलब मुझे पैसे मिलेंगे, और पैसे मेरे लिए क्या है, एक तरह का एसेट ही है, तो वॉट कम्स इन बैंक। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा कि बैंक के पैसे मिल रहे हैं और बिल में से बाहर जा रहा है, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन अगर मैं इसी ट्रांजेक्शन को मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो उसके पास वो बिल वापस आएगा, उसके लिए बिल था क्या, इनिशियली बिल्स पेबल था उसके लिए, तो वो सिर्फ बिल्स पेबल रिसीव हो रहा है, उसे वो लाइबिलिटी वापस मिल रहा है, उस लाइबिलिटी के बदले वो पेमेंट कर दे रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि उसके लिए जो बिल्स पे पहले लाइबिलिटी हुआ था, अब वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जा रहा है बिकॉज उसके बदले पेमेंट कर दे रहा है। तो जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज हो, हम लोग कहाँ एंट्री करते हैं, डेबिट में एंट्री करते हैं। अब अगर यहाँ मैं देखूँ तो मुझे इसी ट्रांजेक्शन इसी स्टेप के लिए मुझे एक एंट्री मिल रहा है, वो है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जहाँ पे बिल्स पे लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है और मेरा एक एसेट है जो कम हो जा रहा है। जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जा रहा है।
तो आई होप जो मैंने इस टेबल बनाया है, जो मैंने इस ट्रांजैक्शन को या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मेरा टॉपिक नंबर वन है, सेल सेलर और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने स्टेप किया है, आप लोगों को समझ में आया हो। बहुत ही आसान है इस टॉपिक को समझना जब हम इन स्टेप्स पर स्टेप्स इन ट्रांजैक्शन को फोकस करें कि कौन सा स्टेप्स ऑफ ट्रांजैक्शन मेरा फाइनेंशियल है उसके लिए मुझे एंट्री करना है, कौन सा मेरा स्टेप्स ऑफ ट्रांजैक्शन मेरा नॉन फाइनेंशियल उसके लिए कोई एंट्री नहीं पास करना है। कि जब भी हमें बुक्स में क्वेश्चन देते हैं ना, तो बहुत सारा लाइन्स जो है मुझे बेफालतू का बिना इन्फॉर्मेशन का दे देता है। आई होप आप लोगों ने अगर डिकी गोयल बुक सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक्स सेंडिंग द बिल टू वाई फुल स्टॉप, वाई एक्सेप्ट्स बिल एंड सेंड्स टू एक्स बैक। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस था कि एक्स ड्रॉज द बिल ऑन वाई एंड सेंडिंग टू द वाई फुल स्टॉप, ये सेंटेंस ही पूरा क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल है। तो सेंटेंस को मुझे देखना ही नहीं है, मुझे क्या देखना है, आगे देखना है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं स्टेप वाइज कि हमें समझ में आता है कौन सा ट्रांजैक्शन या कौन सा इवेंट मेरा फाइनेंशियल है, तो हमें क्वेश्चन जो है बस सिंपल लगने लगता है कि हाँ ये मेरा नॉन फाइनेंशियल है इसका एंट्री नहीं होगा, ये फाइनेंशियल है इसका एंट्री होगा। तो क्वेश्चन को हम शॉर्ट बना लेते हैं कि क्वेश्चन में कन्फ्यूज करने के लिए ना बहुत सारे, जो आप कोई भी टॉपिक उठा लो, चाहे वो जर्नल एंट्रीज हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बस कन्फ्यूज के लिए देते हैं हाँ कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल है। तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर हम एक ट्रांजेक्शन के स्टेप्स अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन से मेरे फाइनेंशियल है, कौन से मेरे नॉन फाइनेंशियल है, जो मैंने यहाँ पे करके इस टॉपिक के दिखाया कि सेल फाइनेंशियल एंट्री किया, संग संग मैंने एंट्री कर दिया बायर के बुक में परचेस का, ये बिल उसने ड्रॉ किया भेजा नॉन फाइनेंशियल, कोई एंट्री मैं नहीं करूँगा उस चीज़ का, मुझे क्लियर हो गया। इसे बिल मिला, कोई इसका एंट्री नहीं होगा। बिल मिलने के बाद इसने बिल को साइन किया, एक्सेप्ट किया, वापस भेजा ड्रॉवर के पास, फाइनेंशियल इसका एंट्री होगा। उसने वो एक्सेप्ट बिल को रिसीव किया सेलर ने, फाइनेंशियल एंट्री होगा। अब बिल के बाद ये वेट कर रहा है नॉन फाइनेंशियल, कोई एंट्री नहीं। ये भी वेट कर रहा है, कोई एंट्री नहीं। डेट पर ये बिल वापस उसे भेज रहा है, पैसे ले रहा है, फाइनेंशियल ये एंट्री और ये एंट्री। तो ये स्टेप्स थे। अगर मैं इन स्टेप्स को समझूं तो मुझे ये चैप्टर का जो बाकी केसेस भी है उसमें भी ये अंडरस्टैंडिंग या फिर स्टेप्स ऑफ ट्रांजैक्शन मुझे बहुत हेल्प करेंगे। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि ध्यान से इस वीडियो को देखें और ये स्टेप्स को समझें। ये बेकार नहीं है, बहुत ही काम के हैं क्योंकि जब आगे हम लोग चैप्टर करेंगे तो ये ही जो स्टेप्स मेरे हैं कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जहां मैं बोलूंगा ये स्टेप ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल इसका एंट्री नहीं होगा, तो आप क्लियर हो गए कि हाँ ये एक नॉन फाइनेंशियल इसका एंट्री नहीं होगा। तो आई होप इसको, ये जो हमें बस सेलर के बुक में ये सभी एंट्रियाँ पास करनी थी, हमें बायर के बुक में ये सभी एंट्रियाँ पास करनी थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग दोनों एंट्रीज साथ साथ करेंगे, यानी कि जब सेल हो रहा है परचेज भी हो रहा है तो हम लोग एक ही वक्त सेलर के बुक में भी एंट्री मारेंगे, उसके बाद बायर के बुक में भी एंट्री मारेंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले प्रिपेयर कर लिया, फिर नीचे ड्रॉ किया, ये बनाया, उसे हमें डबल मेहनत होगा क्योंकि हमें क्वेश्चंस दो बार पढ़ने पड़ेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो क्वेश्चन 10 मिनट में से सॉल्व होने का है उसमें मुझे 20 मिनट लगेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर कोई फीडबैक हो, कोई भी कमेंट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो के कमेंट में पोस्ट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर फिर भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं एक और वीडियो बनाकर आप लोग को एक और तरीके से ट्राई करूँगा कि ये टॉपिक समझाने का। ये तो वीडियो का पार्ट टू। अब जो मैं पार्ट थ्री बनाने वाला हूँ वो केस नंबर टू का होने वाला है, जो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद द बैंक। क्लियर? सो ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू। आप इसका एक नोट प्रिपेयर कर ले ताकि एग्जाम के समय में ये जो है एक बार रिविजन करने के लिए आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिले। थैंक यू।